नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं चैनल वन। हाल ही में सरकार द्वारा परिवहन विभाग द्वारा जो कि वाहनों पर जो SRO रिवाइव करके टोकन टैक्स को रिवाइव किया गया, उसे बढ़ा दिया गया। और आपको बता दें कि 9% अब आप अगर 1 अगस्त से जो भी गाड़ी आप खरीदते हैं तो आपको 9% उसका देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा फीस जो है वो देनी पड़ेगी। लेकिन इसको देखते हुए लोगों में कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन जो है वो बना हुआ है, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक जागरूकता के लिए एक स्टोरी जो हमने ये की है, इस स्टोरी को देखना आपके लिए भी बेहतर है और आप इसे शेयर भी करिए। सबसे पहले आप लोगों को सुनिए कि क्या लोगों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं। सर, क्या क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी 9% जो है वो एक्स्ट्रा फीस है, जो चार्ज है वो लगेगा, आपको पता है टोकन टैक्स पर ये RTO ऑफिस में अब आपको 9% जो पहली तारीख से गाड़ी निकली, क्या कहेंगे? ये है कि इसमें इंश्योरेंस है जो वो 9% बढ़ गया है, 9% इंश्योरेंस बढ़ गया है। ये जो नई गाड़ी खरीद रहे हैं पहली तारीख के बाद, उन सब को लगेगा, ये हमने सुना है। तो मोर ओवर लोगों को पता नहीं है इस बारे में, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। मोर ओवर द RTO ऑफिस शुड डू समथिंग कि पीपल नो अबाउट इट। तो ये कन्फ्यूजन है कि कितना लगेगा, क्या लगेगा, एग्जैक्ट जो है हमको भी नहीं पता है, ठीक है ना। हमने भी जनरल सुना है, मोर ओवर ये क्लियर कर सकता है RTO ऑफिस जी। तो सो यू शुड, ठीक है, हम उनसे आस्क उनके पूछ सकते हैं एग्जैक्ट क्या पोजीशन है, ठीक है। तो हमारा तो नॉलेज में इतना है जितना हम आपको बता दिए। सर, आपका नाम? सलमान। सलमान, मुझे ये बताइए, आपको पता है कि अभी जो गाड़ियों का SRO जो टोकन टैक्स का रिवाइव हुआ है कितने परसेंट हुआ है? ये आई थिंक 9% हुआ है, 9%, ठीक है। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि आपको मतलब ये तो पता होगा कि ये कब से लागू हुआ है, ये पता है आपको कि गाड़ी कब से खरीदेंगे और कब से ये लगेगा? आई थिंक ये कंफर्म डेट नहीं पता मुझे, लेकिन लास्ट टाइम मैं टाटा हैरियर बुक करने के लिए गया था तो उन्होंने बोला था कि अगर आप आज गाड़ी लोगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये कब की मतलब आपको कुछ आइडिया है? किस पिछले बिफोर वन पिछले महीने की? पिछले महीने, पिछले महीने की बात है। तो मैं यही आपको बता दूँ कि यही दिक्कत है। और मैं आपसे भी ये बताना चाहूँगा कि जो गाड़ियाँ 31 जुलाई तक जिनका सेल लेटर कट गया है, जिनकी परचेजिंग हो चुकी है, उन पर 9% जो है वो नहीं लगेगा। जो SRO रिवाइव हुआ है वो लगेगा 1 अगस्त से लेके जो गाड़ियां परचेज हो रही हैं उन पर। तो ये हमारा एक कार्यक्रम यही है, एक अवेयरनेस हम प्रोग्राम चला रहे हैं कि जनता को कम से कम पता चले। ठीक है, तो आप भी अब आगे बताएंगे ना, अपने जो कलीग या अपने दोस्त होंगे जो मिलेंगे उनको बताएंगे ना कि पिछले महीने जिनकी गाड़ियां हैं 31 जुलाई तक परचेजिंग वाली, जिनका सेल लेटर कट चुका है, उनको 9% नहीं देना है। ये आपने भी अब अपने दोस्त, हाँ ठीक है, वो बता देंगे। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया। तो जनता को आपने सुना कि जनता कहीं ना कहीं उन्हें अभी इसमें कंफ्यूजन है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज जो है वो नहीं है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जो गाड़ी आपने 31 जुलाई तक सेल कर ली है, जिसका सेल लेटर जो है वो परचेज़ हो चुका है, वो गाड़ी परचेज़ हो चुकी है, उस पर नए सिरे से जो 9% जो बढ़ाकर जो टोकन टैक्स आपको भरना है वो नहीं आपको देना है। इस पर पूरी जानकारी जो है वो RTO जम्मू से हमारी बाकायदा इस पर बात हुई है, हमने उनसे जानने की कोशिश की और उन्होंने इस पर पूरा संक्षिप्त बताया है। और मैं आपसे एक ये अपील भी करना चाहता हूँ कि इस खबर को आप शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये खबर जिस इसके पास जाएगी, जम्मू में अभी इंटरनेट जिस तरह से सेवाएँ ठप हैं तो उस कारण लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि इस खबर से हर किसी तक ये खबर पहुंचे और लोग किसी ठगी का शिकार ना हो, क्योंकि पिछले महीने यानी कि 31 जुलाई तक अगर कोई गाड़ी का सेल लेटर कटा है या गाड़ी कोई परचेज हुई है, उसका आपको 9% यानी कि नए SRO के मुताबिक पैसे नहीं देने होंगे। और पूरी खबर आप देख लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी RTO जम्मू के इस वर्जन में। ओके, जो ये SRO है जो रजिस्ट्रेशन में जो हमारा टोकन टैक्स था रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे J&K स्टेट में, वो रिवाइज हुआ है 1 अगस्त 2019 से। उससे पहले जो 31 जुलाई तक गाड़ी का जो सेल जिसकी 31 जुलाई तक हुई है उस पर पुराना टैक्स लगेगा। हमारे सिस्टम जो है पोर्टल अपना सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, जो नई गाड़ी है 1 अगस्त के बाद जो आई हुई है उस पर नया टैक्स, वो 9% की स्लैब उसको लगेगी। उससे पहले जो है वो लमसम जो हमारा पुराना चल रहा था जैसे 6,000 और बड़ी गाड़ी जो है 20,000 वो ही रहेगा 31 जुलाई तक।
मैंने जैसे आपको बता दिया ना कि ये जो टैक्स है इसको परचेज डेट देखी जाएगी, अगर इसकी सेल जो लेटर है 31 जुलाई तक इशू हो चुकी है तो उसको पुराना जो है जो हमारा टैक्स है वो पुराना लगेगा, लेकिन अगर उसका ना हुआ तो उसके बाद जो फर्स्ट से हमारा रिवाइज हुआ 9% उसको वो पे करना। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है इसका रिवाइज हो या कम हो, इसका तो मैं कोई कंप्लेंट आदमी नहीं हूँ इसका बात करने का, लेकिन जो इसकी डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो यही है कि 1 अगस्त से आपने 9% पे करना है, और 1 अगस्त से पहले जो गाड़ी सेल हो चुकी है जिस कस्टमर ने गाड़ी ले ली हुई है तो उसको जो है जो एग्जिस्टिंग हमारा टोकन टैक्स रेट था वो उसको पे करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को हम जो यहाँ पे हमारे पास आते हैं कोई क्वेरीज लेके तो हम उनको भी यही समझाते हैं कि आपको कोई उसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो अगर गाड़ी आपकी जुलाई में ली हुई है 31 जुलाई तक ली है तो आपको पुराना टैक्स पे करना है, और अगर उसके बाद ली है तो उसमें नया टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट ने अभी इसमें कोई ऐसा इसको एसआरओ को रिविजिट करने का कोई आर्डर नहीं किया हुआ है, ये ऐसे जस्ट एक रूमर्स लोगों ने फैलाई हुई है। 1 अगस्त के बाद आपको 9% जो है वो पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों की डेट जैसे 5, 6, 7, 8 कोई भी जो इस टाइम में जो ये थोड़ा डिस्टर्ब रहा वो हम सब उनको अकोमोडेट कर रहे हैं, जितना भी लैपटॉप केसेस है वो आपने भी अभी देखा होगा जो लोग आ रहे हैं हम उनको एकदम अकोमोडेट कर रहे हैं, जो 6, 7, 8, 9, 10 को नहीं आ पाए उनको हम 11, 12 जो भी है आज भी हम उनको अकोमोडेट कर रहे हैं, ऐसी कोई इसमें दिक्कत है नहीं है। और नेट जो है ये बाहर नहीं चल रहा बट हमारे ऑफिस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमारा ब्रॉडबैंड जो है यहाँ पे वो फुली जो फंक्शनल है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जिन लोगों के मिस हो चुके हैं अगर आपके कोई ऐसे लोग हैं तो वो हमारे पास आ सकते हैं, हम उनको लैपटॉप केसेस मान के सैटरडे हमने स्पेशली उन लोगों के लिए रखा हुआ है कि जो लैपटॉप केसेस है उनके सारे टेस्ट हो जाएंगे, उसमें दोबारा से फिर से स्लॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है।